अगली खबर में बात करते हैं लव जिहाद को लेकर। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति की 3 दिवसीय बैठक इंदौर के अग्रसेन महासभा भवन में चल रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बताया कि बैठक में मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, धर्मांतरण, लव जिहाद, मुस्लिम घुसपैठ, जनसंख्या असंतुलन, बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा एवं गौ हत्या रोकने के विषयों पर योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 महीने में 100 से अधिक हिंदू कन्याओं की वापसी हुई है। जिहादी इस्लाम को समाप्त करना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में 13 वर्षों बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक इंदौर के बाईपास स्थित अग्रसेन भवन में चल रही है। बैठक में सभी हिंदू संगठनों द्वारा लव जिहाद, धर्मांतरण, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, मुस्लिम घुसपैठ व अन्य कई मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के पहले दिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक के पहले दिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि संपूर्ण देश भर में 5,000 हिंदू कन्याओं की घर वापसी जिहाद में बड़ी चढ़ जाती हुई है। वहीं इंदौर में बीते 3 महीनों में 100 से अधिक हिंदू कन्याओं की वापसी हुई है। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि यह संकट बहुत बड़ा है। घटनाएं बड़ी हैं, लेकिन उसका निदान भी बड़ा है। लव जिहाद के कानून को लेकर उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी यह कानून आना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वह उनका निजी बयान है, लेकिन देश में हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। मिलिंद परांडे ने केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि जो ईसाई, मुसलमान, हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं, उनके स्वागत के कार्यक्रम देश भर में संपन्न हो रहे हैं। पूरे देश भर में 1,23,000 से अधिक गाँव तक विश्व हिंदू परिषद की पहुँच हित चिंतकों के माध्यम से पहुंची है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वह इस्लामी जिहादी हिंसा है, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के षड्यंत्र हैं। ऐसे अनेक चुनौतियों के बारे में इस बैठक में विचार होगा और इनको उत्तर देने के लिए और इनको प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना के ऊपर भी विचार यहां पर होगा। यह जो एक अभियान हुआ है, इसमें पूरे देश भर में 15 लाख से अधिक माता भगिनी और 35 लाख से अधिक युवक विश्व हिंदू परिषद के साथ में हैं। दुर्गा वाहिनी के माध्यम से नए तरीकों से युवा जुड़े हैं। मिलिंद परांडे, केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, ने बताया कि 21 से 31 दिसंबर तक पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण के निमित्त जागरण अभियान चल रहा है और हजारों स्थानों पर ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र और एक वर्ग के मुसलमानों के माध्यम से चल रहे षड्यंत्र हैं। उसके बारे में जागरूकता निर्माण करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ चुनौतियां हैं आज हमारे सामने। इस्लामिक जिहादी हिंसा है, जनसंख्या का असंतुलन है, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के षड्यंत्र है, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र है, गोहत्या है। तो ऐसे अनेक चुनौतियों के बारे में इस बैठक में विचार होगा और इनको उत्तर देने के लिए, इनको निरस्त परास्त करने के लिए कार्य योजना के ऊपर भी विचार यहाँ पर हो जाएगा। पिछले इंदौर के आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 माह में 100 से अधिक कन्याओं की वापसी हुई है। पूर्ण देशभर में विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग है, बजरंग दल, यह 5,000 से अधिक हिंदू कन्याओं की वापसी जो लव जिहाद में बलि चढ़ जाती है उनकी करता है। यह संकट बहुत बड़ा है।